सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे चुनौती कौन है इस वक्त? शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, जो कि फरार है। इनामी राशि 25,000 रुपए पहले थी, उसको बढ़ाकर दोगुना यानी कि 50,000 रुपया कर दिया गया। यानी कि अगर आपको कोई जानकारी है, आप अगर जानकारी देते हैं तो 50,000 रुपए आपके हुए और शाइस्ता परवीन कानून के शिकंजे में। एक पूरी रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। प्रयागराज के दिल दहला देने वाले मर्डर केस के 43 दिन बीतने को हैं और हत्याकांड के शूटर से लेकर पूरे हमले में सूत्रधार की भूमिका निभाने वाली शाइस्ता परवीन तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। जेल में बंद यूपी के बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स दिन रात एक किए है, लेकिन लेडी डॉन का कहीं अता पता नहीं है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने अब शाइस्ता पर इनाम की राशि को दो गुना कर दिया है। यानी जो कोई भी शाइस्ता को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, उसे यूपी पुलिस 50,000 रुपए देगी। पहले ये इनामी राशि 25,000 थी। शाइस्ता पर रखी गई इनामी राशि इस केस के शूटरों से अभी भी काफी कम है। अतीक शाइस्ता के बेटे असद, बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम, अरमान, गुलाम और साबिर पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीम दिन रात छापेमारी कर रही है। यही नहीं, उसके शूटर बेटे असद की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की 9 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं है। आज तक को पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता, असद और उमेश पाल मर्डर केस के दूसरे शूटरों तक पहुँचने में सबसे बड़ी बाधा आईफोन के एडवांस फीचर है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे शूटरों का 15 मार्च के बाद कोई मूवमेंट नहीं मिल पाया है। पुलिस को शक है कि आईफोन के जरिए असद, शाइस्ता और बाकी शूटर एक दूसरे के संपर्क में हैं। उमेश पाल हत्याकांड से पहले ही पशु तस्करी वाले रैकेट से 40 से ज्यादा प्री एक्टिवेटेड सिम हासिल किए गए थे। पुलिस को शक है कि फर्जी नाम पते पर हासिल किए गए सिम का अब शूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को फेस टाइम से नेट डाटा डिटेल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से ग्राहक की मर्जी से ही डाटा दिया जा सकता है। पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि पुलिस को कॉल डिटेल की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईफोन में नेट कॉलिंग के तमाम फीचर्स के चलते उमेश पाल हत्याकांड की साजिश से लेकर हत्याकांड को अंजाम देने तक आईफोन का इस्तेमाल किया गया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों के अलावा जो किरदार सबसे अहम था, वो थी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो इस हत्याकांड की हर साजिश को न सिर्फ जानती थी बल्कि उस साजिश में शामिल थी। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी है। लेकिन शाइस्ता परवीन भी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। वजह, शाइस्ता परवीन ने भी शूटरों की तरह अपने को छिपाने के लिए उन अड्डों का इस्तेमाल किया है जिसको कोई जानता नहीं था। यही वजह है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए अब प्रयागराज पुलिस की 3 विशेष टीमें लगाई गई। अतीक अहमद की पत्नी और उमेश पाल मर्डर केस की आरोपी शाइस्ता और उसके शूटर बेटे असद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके मददगारों पर भी शिकंजा कस रही है। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम ने अतीक अहमद के बेटे के 2 मददगारों को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। असद का मोबाइल फोन और एटीएम बरामद किया है। करीब 120 मोबाइल नंबर, 80 व्हाट्सएप ग्रुप को पुलिस ने सर्विलांस पर रखा है। हालांकि इस ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों का यह भी दावा है कि असद और शाइस्ता की लोकेशन से जुड़ी एक जानकारी पुलिस को लग गई है। दोनों 2 शहरों में छिपे हुए हैं। अगर उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता के रोल की बात करें तो आरोप है कि शूटरों के साथ बैठक करने से लेकर मर्डर के बाद उन्हें पैसे और फोन देने तक सारा ऑपरेशन शाइस्ता ने खुद संभाल रखा था। शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। उमेश पाल मर्डर मामला,